पीसी होटल में मुनक्किदा दो रोजा एजुकेशन एक्सपो में 40 से ज्यादा स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ने स्टॉल लगाए, जहां इम्तिहान से फारिग होने वाले तलबा व तालबात को मुख्तलिफ कोर्सेज से मुतालिक मुकम्मल आगाही फ्राहम की गई। एजुकेशन एक्सपो के ऑर्गेनाइजर नूरुल्ला का कहना है कि एजुकेशन एक्सपो मुनक्किद करने का मकसद तलीमी अदारों, मजामीन और शोबे के इंतखाब के हवाले से तमाम मालूमात एक ही छत तले फ्राहम करना है। तालीमी नुमाइश का मकसद ये था कि बच्चों के लिए और वालदैन के लिए ये इंतहाई अहम और मुश्किल मरहला होता है कि अपने तालीमी इदारे का इंतखाब, तो हमने कोशिश की है कि अंडर वन रूफ उन्हें तमाम तालीमी इदारों से मुतारिफ कराने का मौका दिया जाए। तलबा ने एक्सपो के इनेकाद को सराहते हुए कहा कि इससे इनके वक्त की बचत हुई है और इन्हें मुख्तलिफ इदारों में जाने के बजाय एक ही जगह तमाम मालूमात मिल गई। मैं अपनी एजुकेशन काउंसलिंग के लिए आया हूँ और इधर आके मुझे काफ़ी हेल्प मिली है, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं आगे फर्दर किस इंस्टीट्यूट को चूज़ करूँ। मैंने बेसिकली एमबीए करना था, मैंने इससे पहले बीकॉम ऑनर्स किया हुआ है, तो इधर आके मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के स्टॉल्स को विजिट किया है और मुझे काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली है। किया साइंसेज में बीएससी बॉटनी जोलॉजी एंड साइकोलॉजी के साथ, तो मुझे मजीद इसमें क्या प्रोग्राम्स हैं, मैं मास्टर्स के सब्जेक्ट्स में कर सकती हूँ। बैचलर्स में भी मुझे थोड़ी मिस गाइडेंस थी, मुझे इस तरह के कोई एक्सपो में मेरे लिए मतलब मेरे लिए कोई गाइडेंस नहीं थी। एक्सपो में आने का एक फ़ायदा हुआ है मुझे कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ एक जगह पे मिल गई हैं, जिससे आपको काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से इन्फॉर्मेशन एक जगह पे कलेक्ट हो जाती है और आपको मुख्तलिफ जगहों पर विजिट नहीं करना पड़ता। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के एक्सपोज ऑफ एंड ऑन होते रहने चाहिए। एजुकेशन एक्सपो का रिवाज फ़रोग पा रहा है और ये एक ऐसा एग्जाम है जिसने हज़ारों तलबा व तालबात के मसाइल हल कर दिए हैं। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ फिजा नूर, सिटी 42, पीसी होटल।